गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की डेट है 27 नवंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला जो आर्टिकल है एनवायरनमेंट से संबंधित है। इस आर्टिकल में बताया गया है दिल्ली है जो अब रहने योग्य सिटी नहीं रही है, यहाँ पर ये चर्चा हुई है। साथ ही साथ में इस आर्टिकल में डिस्कस हुआ है कि भारत में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए अलग से एक एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी की आवश्यकता है। तो इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि सबसे पहले ये जो बॉडी है, ये एजेंसी, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये कौन कौन से चैलेंज है जिसका समाधान करेगी। तो अभी हम जो चैलेंज देखने को मिल रहे उनका देखेंगे कि अभी ये चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, कौन कौन से चैलेंजेस है जिसमें ये सुधार कर सकती है, उसका समाधान कर सकती है। इंटरनेशनल कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे कहाँ कहाँ पर ऐसी बॉडी बनाई गई थी और उसके क्या क्या बेनिफिट देखेंगे, मतलब क्या क्या बेनिफिट है वो भी देखेंगे। साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि भारत में स्वास्थ्य की क्या समस्या देखने को मिल रही है, एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है उसके कारण स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारी चर्चा करेंगे इस आर्टिकल में। ये मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में तो बस इस रेगुलेटरी बॉडी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो चलते आर्टिकल की ओर। यहाँ पर ये सारी चर्चा हुई है कि पहले पॉल्यूशन ऐसा था, अब इसमें ये दिक्कत हो रही है। ये हमने एयर क्वालिटी के बारे में कल चर्चा ही की थी कि एयर क्वालिटी किस प्रकार से काम होती है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। बात करते हैं कि अभी चर्चा में क्यों है। तो अभी भारत है वो दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। कौन कौन सी दोहरी चुनौतियाँ हैं? एक तो ग्रीन हाउस गैस है, उसकी एमिशन में वृद्धि देखी गई है। यूनेप के अकॉर्डिंग 6% है वो वृद्धि देखी गई 2024 में। दूसरी प्रॉब्लम फेस कर रहा है भारत है वो है पर्यावरण से जो स्वास्थ्य है उस पर भी गंभीर समस्या देखने को मिल रही है, मतलब तो जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसका जो इम्पैक्ट है वो हेल्थ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये दो समस्या इसका अभी भारत है वो चुनौतियों का सामना कर रहा है, इन दोनों चुनौतियों का भारत अभी सामना कर रहा है। अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 29th जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी अजरबैजान में, बाकू में, अजरबैजान जिसकी कैपिटल है बाकू, वहाँ पर हुई थी। वहाँ पर भारत ने अपनी लीडरता दिखाते हुए, अपना नेतृत्व दिखाते हुए कुछ बातें रखी थी। भारत ने एक क्लाइमेट फाइनेंस की बात करी थी, यानी जलवायु वित्त की बात की थी। साथ ही साथ भारत ने कहा था कि ये जो पर्यावरण चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए आगे आने की आवश्यकता है, कुछ समाधान के बारे में बात करने की बात करी थी। इसी दौरान भारत ने एक एजेंसी के बारे में बात की थी कि ये जो एजेंसी है इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दौरान भारत ने इस एजेंसी को बनाने के लिए जोर दिया था। एजेंसी का नाम है पर्यावरण स्वास्थ्य नियामक एजेंसी, एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसे बनाने पर भारत ने जोर दिया था। भारत ने कहा था कि ये अलग से एजेंसी बनाई जानी चाहिए जो कि इस प्रकार की जो भी पर्यावरण और हेल्थ से संबंधित जो समस्या है उसका समाधान करने में ये मुख्य भूमिका निभाएगी। अब हम देखेंगे कि वर्तमान में कौन कौन सी समस्या है जिसका सामना करना पड़ रहा है, मतलब पर्यावरण और स्वास्थ्य से संबंधित वर्तमान में कौन कौन सी समस्या है जिनका सामना अभी करना पड़ रहा है, जिसमें सुधार किया जा सकता है। तो हम बात करें, सबसे पहले अलग अलग प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है। तो वर्तमान में चुनौतियाँ हैं उनमें एक आता है पॉल्यूशन एंड हेल्थ रिस्क, ये समस्या देखने को मिलती है। अब पॉल्यूशन एंड हेल्थ रिस्क क्या है? पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य रिस्क है वो एक चुनौती देखने को मिलती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा PM 2.5 है, और भी जो प्रदूषक है वो पर्यावरण, ये सारे पर्यावरण को प्रदूषण करते हैं। अब ये है ना स्वास्थ्य के लिए भी समस्या पैदा करते हैं। कौन कौन सी समस्या में समस्या हो सकती है? जैसे बात करें श्वसन संबंधित रोग हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी बीमारियाँ हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर बीमारी हो सकती है, हृदय से संबंधित है वो भी बीमारियाँ हो सकती है, मेटाबॉलिक चयापचय बीमारी होती है वो भी देखने को मिल सकती है, चाइल्ड डेवलपमेंट इसमें भी समस्या हो सकती है, मेंटल हेल्थ है ये भी समस्या देखने को मिल सकती है। यानी कि बात की जा रही है कि पॉल्यूशन के कारण कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ये पहली समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी समस्या के बारे में बात करें, हमने पहली समस्या ये देखी कि पॉल्यूशन और हेल्थ रिस्क देखने को मिल रही है। दूसरी समस्या है वो गवर्नेंस गैप, जो शासन होता है उसमें अंतर देखने को मिल रहा है, एक गैप देखने को मिल रहा है। जैसे भारत में कई सारी मिनिस्ट्री है, कई सारे डिपार्टमेंट है वो काम करते हैं, बट उनके बीच में क्या इंटरलिंकिंग नहीं है, उनके बीच में आपस में जुड़ाव नहीं है, कनेक्शन नहीं है एक दूसरे के साथ में, कोऑर्डिनेशन से वो जो संस्थाएं हैं, जो मिनिस्ट्रीज है, जो डिपार्टमेंट है वो मिलकर काम नहीं करते। जैसे कि
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज है, ये जो आपस में मिलके काम नहीं करते, ये अपने अलग काम करते, ये अलग काम करते, जिससे क्या होता है एक साथ कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, एक साथ मिलके काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, तो इसके लिए एक साथ कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता है, इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर यही कहा गया है। साथ ही साथ में एनवायरमेंट को मॉनिटरिंग करने के लिए अलग संस्था है, तो पूरी तरह से एनवायरमेंट मॉनिटरिंग नहीं किया जा रहा है। हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं वो भी अच्छे से कोई इसका असेसमेंट नहीं हो रहा है। एमिशन को किस प्रकार से कंट्रोल करना है, ये सारे अलग अलग मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक अच्छे से गैप देखने को मिल रहा है इनके बीच में, कोई कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये दूसरा चैलेंज देखने को मिल रहा है। फिर तीसरा ये भी चैलेंज मिल रहा है कि भारत में ब्यूरोक्रेसी होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी वगैरह होते हैं, वो भी अपने एक उन्होंने इस प्रकार से माइंडसेट बना रखा है कि वो थोड़ा जटिलता दिखाते, काम करने पर कम फोकस करते, थोड़ा जटिलता दिखाते, जिससे क्या होता है, इससे ये होता है कि काम है वो पूरी तरह से हो नहीं पाता है। अभी जटिलता के कारण है ना, काम पूरी तरह से होता नहीं है, इसमें रूट तो ज़्यादा दिखाई देती है। जैसे ये देखो, ब्यूरोक्रेट से इंटीरियर देखने को मिलता है, जो भी ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही होती है उसमें जड़ता देखने को मिलती है। साथ ही साथ में जो इंडस्ट्रीज होती है वो भी रेजिस्टेंस दिखाती है, तो ये भी एक चैलेंजेस है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक मार्गदर्शन है उसकी भी पूरी तरह से आवश्यकता है, लेकिन वो मार्गदर्शन मिल नहीं पा रहा है। कई सारे इसमें बाउंडेशन भी बाधाएं भी आती है, जैसे कि जो सरकारी होती है, अंतर सरकारी होती है, उनमें स्पष्ट समन्वय नहीं है, जो सरकारी जो ऑफिस है उनके बीच में क्लियर कोऑर्डिनेशन का अभाव देखने को मिल रहा है, तो ये सारी समस्याएं वो अभी देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं इस जो अथॉरिटी है EHRA, इसकी आवश्यकता क्यों, एनवायरमेंटल हेल्थ जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसकी आवश्यकता क्यों है, तो इसके लिए कुछ ग्लोबल एग्जाम्पल देखेंगे कहाँ कहाँ पर इस प्रकार की एजेंसी बनाई गई है और उसके क्या फ़ायदे देखने को मिले हैं। तो बात करें, USA में इस प्रकार की एक एजेंसी बनाई गई थी, USEPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, इसने काफ़ी अच्छा काम किया था। इसने एयर है, वाटर रेगुलेशंस है, वेस्ट मैनेजमेंट है, हेल्थ फोकस है, इन सब पे मिलकर पॉलिसीज बनाई और इसके काफ़ी अच्छे फायदे देखने को भी मिले हैं। इससे क्या हुआ, USA में इकोनॉमी में रेजिलियंस आई है और ग्रीन इकोनॉमी इकोनॉमी उसको प्रोटेक्ट किया गया है और उसको प्रमोट भी किया गया है। तो हरित इकोनॉमी होती है उसको प्रोटेक्ट करने में, प्रमोट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जर्मनी में भी इस प्रकार की एक एजेंसी है, उसने अभी काफ़ी ज़्यादा फायदे मिले हैं। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो एजेंसी बनाई जा रही है, इसके भी फायदे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर यही लिखा गया और यही बात की जा रही है, ठीक है। अब इसके बारे में कोर बेनिफिट देख लेते हैं, ये जो EHRA बनाई जा रही है इसके बेनिफिट क्या होंगे। तो ये जो डेटा है अभी है ना, हमें एक समस्या एक भी और भी समस्या का जिक्र करते हैं कि भारत में जो भी एजेंसी है उनके पास में डेटा की कमी है, जैसे एनवायरमेंट से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है, वो अलग अलग एजेंसी से वो डेटा देती है, लेकिन ये डेटा है एक जगह नहीं आ पाता है। तो डेटा में एक तो इंटरलिंकिंग नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, और पूरा एकीकृत रूप से डेटा नहीं मिल पाता है। एकीकृत रूप से डेटा न मिलने के कारण स्पष्ट कोई पॉलिसी निर्माण नहीं की जा रही है, क्योंकि अगर सही पूर्व एकीकृत ढंग से डेटा मिलेगा तो उस पर सही तरीके से एक एजेंसी बनाई जा सकती है, एक पॉलिसी बनाई जा सकती है, बट यहाँ पर सही डेटा नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है जो इस सारी समस्या का समाधान कर सके। इसलिए जो EHRA हैं वो इस प्रकार का एक सेंट्रलाइज तरीके से डेटा देगी, इफेक्टिव डेटा देगी, जो इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगा, तो सेंट्रलाइज डेटा में ये हेल्प कर सकती है। साथ ही साथ में क्रॉस सेक्टरल कोलाब्रेशन करेगी, अलग अलग जो भी एजेंसीज होगी उनके बीच में कोलाब्रेशन करेगी, तो वो आपस में मिलकर काम करेगी, तो इससे भी काफ़ी फायदा मिल सकता है। साथ ही साथ में ये अकाउंटेबिलिटी तय करेगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है ना, अच्छी जो प्रैक्टिसेस होती है उसको वकालत करेगी, उसे आगे बढ़ाने पर ये फोकस करेगी, तो ये इसके बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ में ये हमने बात करी थी, यहाँ पे भारत में ये समस्या देखने को मिलती है कि डेटा है वो सेंट्रलाइज तरीके से नहीं देखने को मिलता है, इसलिए कोई भी इम्पैक्टफुल पॉलिसी है वो नहीं बन पाती है, तो ये इम्पैक्टफुल पॉलिसी बनाने में भी हेल्प करेगी। ये एयर क्वालिटी है, केमिकल एक्सपोजर है, क्लाइमेट चेंज है, इससे संबंधित जो भी डेटा होता है वो एकटा रूप से प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि इस प्रकार की एजेंसी वो काफ़ी फायदे दे सकती है। हमने ग्लोबल एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखे थे। अब साथ ही साथ में इसके अलावा कुछ और चीज़ें की जा सकती है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ और रेगुलेशन। अभी USA में जो भी एजेंसी बनाई गई थी उसने एनवायरमेंटल रेगुलेशन से संबंधित फायदे उठाए थे, मतलब कुछ काम किए थे, एनवायरमेंटल रेगुलेशन से संबंधित कुछ काम किए, तो इससे क्या हुआ, इससे ग्रीन इनोवेशन हुआ, सस्टेनेबल प्रैक्टिस देखने को मिली, तो ये काफ़ी फायदा इससे हुआ था।
तो ई एच आर है वो भी बनेगी, तो भारत में इकोनॉमिक रेजिलियंस आ सकती है, क्लीनर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिल सकता है, ये इसके फायदे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट को बढ़ावा देना है, अकाउंटेबिलिटी भी तय करनी है, ये कैसे की जा सकती है, इससे सिटीजन को अवेयर करने की आवश्यकता है। अगर नागरिक जागरूक होगा, उनको एनवायरमेंटल किसी जो भी हेल्थ के रिस्क होते हैं, मतलब पर्यावरण प्रदूषण से स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। लोग अगर जागरूक होंगे, अगर वो लोग नीचे से ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, तो इसमें काफ़ी फायदा देखने को मिल सकता है। क्लीनर एयर है, कैसे रखा जा सकता है इसके बारे में बात करनी है, हेल्थियर लिविंग कंडीशन किस प्रकार से डेवलप की जा सकती है इसके बारे में बात करनी, इस पर काफ़ी सुधार देखा जा सकता है। मीडिया के रोल को आगे बढ़ाना है, एनजीओ का सपोर्ट लेना है, लोकलाइज इंटरवेंशन करना है, यानी कि बॉटम टू ऊपर की ओर जाना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। अगर बॉटम से ऊपर की ओर जाओगे तो इसका काफ़ी फायदा देखने को मिल सकता है। तो ये सारी है ई एच आर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है इन सब चीज़ों पे। तो ये सारी यहाँ पे बात की गई, इससे क्या होगा, इससे भारत अपने पेरिस जो समझौता हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट, उसमें जो भारत ने अपनी प्रतिबद्धता रखी थी, जो भारत ने अपनी कमिटमेंट्स रखी थी, उसे फुलफिल भारत कर सकता है। एसडीजी गोल है उसे भी पूरा कर सकता है। सीमा पार के जो भी मुद्दे हैं, भारत उसमें समस्याओं का समाधान कर सकता है। और सरकारी जो आपस में मिनिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, वो उसमें कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है। स्पष्ट कोऑर्डिनेशन होगा तो अच्छे से कोई नीति बनाई जाएगी, अच्छे से नीति बनाई जाएगी तो जो भी एनवायरमेंटल से हेल्थ पर इम्पैक्ट हो रहा है उसे कम किया जा सकता है, उसके रिस्क को कम किया जा सकता है, ये बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ इस आर्टिकल में ये बात हो रही थी। यहाँ पे 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन कौन से है, पहले पॉवर्टी, गरीबी नहीं होगी तो भूख नहीं होगी, भूख नहीं होगी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो शिक्षा ले पाओगे, फिर जेंडर इक्वलिटी है, फिर क्लीन वाटर है, फिर ये क्लीन एनर्जी के बारे में बात है, डिसेंट वर्क है, इंडस्ट्रीज के बारे में, रिड्यूस इनइक्वालिटीज के बारे में बात है। तो ये आपको 17 के 17 याद होने चाहिए। सस्टेनेबल सिटीज की बारे में बात हो रही है, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन के बारे में बात हो रही है, क्लाइमेट एक्शन है, लाइफ बिफोर वाटर है, बिलो वाटर है, लाइफ ऑन लैंड है, पीस जस्टिस के बारे में बात हो रही है, और पार्टनरशिप के बारे में बात हो रही है। तो ये 17 सस्टेनेबल गोल है, ये इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, याद होना चाहिए, 17 के 17 कहीं पर भी इसका उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो पोलियो उन्मूलन के बारे में, पोलियो जो उन्मूलन है, एलिमिनेट है, उसे 10 साल पूरे हो चुके हैं, उससे संबंधित आर्टिकल है। तो 2014 में भारत ने पोलियो का पूर्ण रूप से उन्मूलन कर दिया गया था, भारत से खत्म कर दिया था पोलियो को, इस आधार पर ये आर्टिकल है। तो कौन कौन से किसी भी बीमारी को किसी देश से खत्म करने के लिए किस किस टर्म्स एंड कंडीशन है, कौन कौन से क्राइटेरिया है उसे पूरा करना चाहिए। तो WHO है वो कुछ क्राइटेरिया रखता है, अगर उसको कोई पूरा कर लेता है तो उस बीमारी को उस देश से पूर्ण रूप से मुक्त घोषित किया जा सकता है। तो कौन कौन से क्राइटेरिया इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो एक है 3 वर्ष तक उस देश में उस बीमारी का एक भी केस देखने को नहीं मिल सकता है। यहाँ हम भारत की बारे में बात करें तो भारत में लगातार 3 वर्ष तक पोलियो का कोई भी संक्रमण का मामला नहीं आया था, तो पहली टर्म्स एंड कंडीशन भारत ने पूरी कर ली। साथ ही साथ में मजबूत निगरानी प्रणाली होनी चाहिए, जो बीमारी है उस पर निगरानी रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, वो भारत में था। तीसरा, जो वायरस होता है, जैसे यहाँ पे पोलियो वायरस है, उसका कोई भी स्टॉक नहीं हो तो उस बीमारी को पूर्ण रूप से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। तो भारत ने इन तीनों 3 साल तक कोई केस देखने को नहीं मिला, मजबूत निगरानी प्रणाली थी और पोलियो वायरस की कोई भी स्टॉक नहीं थी, इसलिए भारत को पोलियो मुक्त है वो 2014 में घोषित कर दिया। कौन घोषित करता है? WHO है, वो घोषित कर देता है। ठीक है, अब भारत ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए थे? तो भारत ने काफ़ी प्रयास किए थे, लंबे समय से काफ़ी प्रयास किए थे, जिनके कारण भारत को ये रिजल्ट मिले। जैसे वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल भारत ने की थी, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम भारत ने अपनाया था, राष्ट्रीय टीकाकरण जो है उसे अपनाया था। तो ये सार्वजनिक जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसका पहले दूसरा नाम था। ठीक है, इसका पहले नाम था 1985 1985 में इसका नाम था विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम था, बाद में इसका नाम करके UIP कर दिया गया। ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये कर दिया गया था। इसमें क्या होता है, यूआईपी में जो बीमारियाँ ऐसी ऐसी 12 बीमारियाँ हैं, उनका निःशुल्क बिना किसी पैसे लिए निःशुल्क फ्री में टीके लगाए जाते हैं, मतलब 12 बीमारियों के निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं। ये जो 12 बीमारियां होती हैं वो बहुत बड़े लेवल पे खतरा होते हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा लोक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। बड़े लेवल पे जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनमें से UIP एक है। भारत ने पोलियो मुक्त स्थिति के लिए काफ़ी उपाय किए थे, जैसे वार्षिक अभियान चलाए गए थे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस घोषित किया था, उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस घोषित किया था,
तो ऐसे बड़े लेवल पे प्रयास किए थे। साथ ही साथ में इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन चलाई थी 2015 में, तो ऐसे पोलियो जिसके कोई और मतलब पोलियो का टाइप 2 होता ना, ऐसा भी कोई वायरस बच गया तो उसके खिलाफ भी भारत ने वैक्सीन देने का प्रयास किया था। साथ ही साथ मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था 2014 में, इसमें क्या होता, इसमें टीकाकरण है उसको बड़े लेवल पर लागू किया गया था, मतलब कोई भी है वो इससे पीछे न छूट जाए, इस बड़े लेवल पर कोशिश की गई थी। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई है कि भारत को पोलियो उन्मूलन से 10 साल पहले मुक्त कर दिया गया, कौन सी 3 शर्तें देखी हमने, 3 साल तक कोई केस न हो, मजबूत निगरानी प्रणाली हो और पोलियो वायरस का कोई स्टॉक नहीं था। ठीक है, इसके लिए भारत ने बहुत प्रयास किए थे, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया भारत ने, ठीक है, और ये राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भी घोषित किया था, तो बड़े लेवल पर भारत ने कोशिश की थी, इन्हीं के प्रयासों से भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इटली और भारत के बीच में संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 के अनावरण के बारे में। अभी है ना ब्राजील में हुआ था G20 शिखर सम्मेलन, इस दौरान इटली और भारत दोनों आपस में मिले, दोनों देशों के नेता आपस में मिले और इन्होंने इस जो नीति है उसको अपनाया, यानी इटली भारत संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना को अपनाया। ये 5 सालों तक चलेगी, इसमें अलग अलग बातें की गई है, तो ये IR का टॉपिक है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन का, इसमें मेंस में ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे, इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में आप इसका उपयोग कर सकते हो। जैसे ही बात की गई है इसमें आर्थिक सहयोग के बारे में बात करिए, दोनों देश है वो संयुक्त आर्थिक आयोग का गठन करेंगे और इसको आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की बात करते हैं। साथ ही साथ में खाद्य प्रसंस्करण कार्य समूह है वो भी बनाएंगे और दोनों के माध्यम से इसको भी बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। ये फार्मास्यूटिकल है उद्योग, उससे भी बढ़ावा होगा, व्यापार और निवेश में भी बढ़ावा दिया जाएगा। कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भारत मध्य यूरोप, इसको जो एक हमारा कॉरिडोर है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, उसे जल्द से जल्द पूरी करने के लिए दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की थी कि इस कॉरिडोर को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसका उद्देश्य भारत है वो मिडल ईस्ट से होता हुआ यूरोप तक कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है, तो इसको भी जोर दिया गया, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पक्ष में भी दोनों ने जोर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटलीकरण है, इन पे भी दोनों देश मिलकर काम कर सके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई है और ये पॉइंट है वो कहीं पे भी आप उपयोग में ले सकते हो। यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बात की है, रक्षा सहयोग के बारे में बात की है, दोनों देश मिलकर वार्षिक संयुक्त रक्षा सलाहकार परिषद है वो बिठाएंगे, बैठ के वो संयुक्त स्टाफ वार्ता है उसका भी गठन करने की बात की गई है। भारत और इटली संबंधों के बारे में बात करें तो 1947 से दोनों के संबंध चले आ रहे हैं। इटली है वो भारत का यूरोपियन यूनियन का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत है वो इटली को एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इम्पोर्ट कम करता है, तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा साझेदार देश हो जाता है। तो ये भारत और इटली के बारे में कुछ पॉइंट थे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो नियर ईस्ट में फिलीपींस शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA के बारे में, इसके बारे में बात करें तो अभी क्या हुआ, भारत ने 2.5 मिलियन की अपनी किस्त दे दी है, इसी के साथ में भारत का अपना जो वार्षिक योगदान थे उसे पूरा कर दिया है। तो ये यहाँ पर है, न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम बात करते हैं UNRAW के बारे में। UNRAW के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। क्यों हुई थी कि 1948 में वॉर हुआ था अरब और इसराइल के बीच में, इस दौरान इसराइल जीत गया तो यहाँ पे फिलिपिस्तीन के जो लोग थे ना उनको यहाँ से भागना पड़ा था। इन शरणार्थियों को राहत देने के लिए एक कोष बनाया गया, एक फंड बनाया गया था, ये फंड है वो UN के द्वारा बनाया गया था। अब इस फंड में पैसे कौन देगा, इस फंड में अलग अलग देश है वो पैसे देंगे, वो स्वैच्छिक तौर पर, उन पर कोई दबाव नहीं है, उनकी मर्जी है, वो चाहे तो इसमें फंड में पैसे दे सकते हैं, चाहे तो नहीं दे सकते हैं। तो अब इसमें पैसे देने स्टार्ट कर दिए सभी देशों ने, 2026 तक इसकी जो कार्य अवधि वो बढ़ा दी गई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अमन जॉर्डन में और गाजा में इसका हेडक्वार्टर है, और अन्य जॉर्डन में भी है, लेबनान है, सीरिया है, गाजा पट्टी है, यरूशलम है, वेस्ट बैंक है, यहाँ पर इसके एरियाज भी है। तो ये इसके बारे में था UNRAW के बारे में। यहाँ इसके बारे में फिलिपिस्तीन है, ये नाम सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलिपिस्तीन को फंड देने के लिए 1949 में बनाया गया था, UN की एक एजेंसी है जो इनको फंड देने का काम करती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंट अलायंस के बारे में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 बैठक कहाँ हो रही है, ये हुई थी अजरबैजान बाकू में। ठीक है, इस दौरान UAE
यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपनी एक गठबंधन शुरू करने की वकालत की है। गठबंधन का नाम क्या होगा? ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, GEA की शुरू करने की वकालत करी है। किसने करी है? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात ने वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन को शुरू करने का प्रयास किया है, शुरू करने की वकालत की है। बात करें वैश्विक ऊर्जा गठबंधन के बारे में, तो इसका लक्ष्य है 2030 तक, जो अभी वैश्विक ऊर्जा है ना, ऊर्जा मतलब ऑयल वगैरह है जो निकाला जाता है, जिससे उत्सर्जन ज़्यादा होता है, तो इनकी कीमतों में वृद्धि की जाएगी। अभी जो कीमतें हैं उसका 2 गुना ले जाने का इनका टारगेट है। साथ ही साथ में कैसे भी करके उत्सर्जन जो एमिशन होता है उसमें कमी लाना, यानी कि वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन है, इनका टारगेट है 2030 तक जो ऊर्जा है उनकी दरों में वृद्धि करना और जो उत्सर्जन एमिशन है उनमें कमी लाना। इसके साथ साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से ऊर्जा दक्षता के जो पहले हैं उनको बढ़ावा देना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके, पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में मिलकर जो ऊर्जा एमिशन है, जो ऊर्जा के माध्यम से एमिशन होता है उसमें कैसी भी करके ऊर्जा को एफिशिएंट बनाया जाए, ऊर्जा दक्षता की जो पहले होती है उनको बढ़ावा देने के लिए इसमें निवेश को बढ़ावा देना है। इसके लिए सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को संकेत करने के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अफ्रीकी देशों की सहायता पर विशेष ध्यान दिया गया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 कहाँ हुई थी? UAE में, और ये UAE कंसेंसस पे आधारित है। इसी दौरान UAE ने बात करी थी। तो ये वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन किसने इसका प्रपोजल रखा था? UAE ने रखा था। कब रखा था? कॉन्फ्रेंस ऑफ 28 में रखा था, और अभी इसको अपनाया गया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ 29 जो कहाँ हुआ? अजरबैजान बाकू में हुआ। इस दौरान इसमें अपनाया गया। क्या विजन है? उत्सर्जन में कमी लाना है और जो ऊर्जा की दक्षता है उसकी दरों को दुगुना करना, ये यहाँ पे टारगेट रखे गए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, ATACMS मिसाइल के बारे में। ATACMS मिसाइल कहाँ की है? US की है। इसको अभी यूक्रेन ने रशिया पर इस्तेमाल किया है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ATACMS जो है वो 70 से 70 सरफेस टू सरफेस पर वार करने वाली एक गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है। 300 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के साथ बेहतर से काम करती है, और इसमें हवरमास है, LMRS है, ये परफॉर्मेंस में दागा जा सकता है। तो ये ATACMS कहाँ की मिसाइल है? USA की है। गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह सतह पर वार करती है, सतह से सतह पर वार करती है। कैसे वार करती है? सतह से सतह पर वार करती है, ठीक है। गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह पर वार करती है, 300 किलोमीटर तक वार कर सकती है। ग्लोबल जो पोजिशनिंग सिस्टम होता है उसका बेहतरी से उपयोग करती है। बस यही इसमें पॉइंट दे रखे थे, इसके बारे में कुछ याद रखना कि कहाँ की है? USA की है, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त विमोचन 2024 के बारे में। ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है गुजरात में। क्या है ये? गुजरात में अभी इसे कंडक्ट किया गया है। ये आपदा राहत अभ्यास है, यानी कि मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास है। गुजरात में इसे कंडक्ट किया गया है, जिसका नाम है संयुक्त विमोचन 2024। इसमें अलग अलग देशों ने भागीदारी ली दी है, जैसे कि खाड़ी सहयोग परिषद उन्होंने भागीदारी ली है, हिंद महासागर, दक्षिण पूर्व एशिया उन्होंने भागीदारी ली दी, 9 और मित्र देश है उन्होंने भी इस योगदान में भागीदारी, इस अभ्यास में भागीदारी निभाई है। क्या होगा इसमें? इसमें आपदा से निपटने के लिए काम किया जाएगा, किस प्रकार से आपदा से निपटा जा सकता है वो इसमें बात की जा रही है। तो ये था संयुक्त विमोचन 2024। संयुक्त विमोचन 2024 क्या है? मानवीय सहायता और आपदा राहत एक एक्सरसाइज है। किसके द्वारा कंडक्ट की जा रही है? भारत के द्वारा कंडक्ट की जा रही है। अलग अलग देश में इसमें भाग लेंगे, जिसमें गल्फ काउंसिल कॉपरेशन है वो भाग लेगी, हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के 9 मित्र देश है वो भी भाग लेंगे। आपदा से किस प्रकार से निपटना है इसके बारे में ये काम किया जाएगा इस एक्सरसाइज के अंदर में, इस प्रकार की ड्रिल की जाएगी। तो ये संयुक्त विमोचन 2024 के बारे में था। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन अपप्रसार संधि, तो इसके बारे में है। बात करें अभी अजरबैजान बाकू में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के 29 मीटिंग आयोजित हो जा रही है, इस दौरान इसके बारे में बात की गई थी। तो इसे 2016 में संकल्पित किया गया था और अभी लॉन्च किया गया 2019 में। यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है अलग अलग लोग, जैसे नागरिक समाज से हैं, रिसर्चर्स हैं, नोबल पुरस्कार विजेता है, सरकार है, सब मिलकर इसमें शामिल होंगे। इसका मेन टारगेट है कि किसी भी प्रकार से जीवाश्म ईंधन है ना उनको रोका जाए, जैसे कि कोल है, कोयला, तेल है, गैस है, इनकी जो बिक्री ज़्यादा होती है उसे कम किया जाए। इसके आधार पर नवीन जीवाश्म ईंधन होता है उनको प्रमोट किया जाए,
इस प्रकार के बारे में बात करता है। तो इनके तीन स्तंभ है, पहले तो अपसार मतलब जीवाश्म ईंधन है उनको रोकना, उसकी जगह नवीन ईंधन है ना उनको बढ़ावा देना उचित तरीके से। जैसे कि इसमें डेवलप कंट्री है वो आगे आई, डेवलपिंग कंट्री को सहयोग करे और धीरे धीरे तरीके से चरणबद्ध तरीके से इसे रोकने का काम करे। और न्यायचित होना चाहिए, न्यायचित जैसे आर्थिक सहायता के माध्यम से नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना है, इस प्रकार से ये काम करेगा। तो जीवाश्म ईंधन अपसार संधि FFNTP क्या है, FF यानी फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, ये ट्रीटी है किस प्रकार से जीवाश्म ईंधन है उनके प्रसार को रोकने के लिए ट्रीटी की गई है 2019 में, इसे अपनाया गया है। ठीक है, इसके बारे में बात की जा रही है किस प्रकार से जीवाश्म ईंधन को रोका जाए और नवीन जीवाश्म ईंधनों को बढ़ावा दिया जा सके, इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है एरोट्रैक के बारे में, एरोट्रैक क्या है, जल होता है ना वाटर, वाटर में कोई पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसका पता करने के लिए बॉम्बे के जो IITians हैं उन्होंने इसकी खोज की है। तो एरोट्रैक्स है वो जल में प्रदूषकों का पता लगाएगा। ठीक है, जल में कई सारे प्रदूषक होते हैं जैसे फिनॉल है, बेंजीन है, जाइनोलन है, ठीक है, उसका ये पता करेगा एरोट्रैक्स है। ठीक है, तो एरोट्रैक क्या है, एरोट्रैक जल में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं प्रदूषक होता है उनका पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। कौन कौन से प्रदूषक होते हैं, फिनॉल, बेंजीन, जाइनोल होता है उनका पता करता है। ये प्रोटीन आधारित बायोसेंसर है, यानी प्रोटीन बेस पर ये काम करता है। ठीक है, और उस आधार पर कैसे भी करके उसका पता लगाता है, हालांकि इसका पता लगाना मुश्किल होता है लेकिन इस आधार पर इसका पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है अफ्रीकन पेंगुइन के बारे में, क्यों न्यूज़ में है, अभी इसको है क्रिटिकल इंडेंजर में शामिल किया गया है तो ये बुरी खबर है। ठीक है, क्रिटिकल इंडेंजर में शामिल करना मतलब ये बुरी खबर है, उनकी स्थिति है बहुत मतलब बहुत संकट में स्थिति में, इसलिए ये न्यूज़ में अफ्रीकन पेंगुइन। बात करें अफ्रीकन पेंगुइन के बारे में तो अफ्रीका में पाई जाने वाली एकमात्र पेंगुइन की प्रजाति है, इसके अलावा अफ्रीका में कोई पेंगुइन की प्रजाति नहीं है। ये सबसे छोटी पेंगुइन की प्रजातियों में से एक है, नर पेंगुइन से मादा पेंगुइन थोड़ी बड़ी होती है, नर पेंगुइन है ना वो मादा पेंगुइन से थोड़े बड़े होते हैं, इनकी आंखें होते हैं वो गुलाबी ग्रंथि की बने, आंखों के ऊपर गुलाबी कलर की ग्रंथियाँ होती है जो तापमान को सहने की सक्षम बनाती है। ये बात कैसे करते हैं, ये इस प्रकार से बातें करते हैं जैसे कि देर तक चोंच को खोले रखना है, चोंच दिखाना, चोंच मारना है, इस प्रकार से बातें करते हैं आपस में। क्या चीज़ें, मछलियों को खाते हैं जैसे कुछ स्कूलिंग फिश है, सार्डिन, एकोवी, इनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये अफ्रीकन पेंगुइन के बारे में कोई बात थी, IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड सूची में इनको शामिल कर दिया गया है, तो ये बात है, और अफ्रीका में ये एकमात्र की पेंगुइन की प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो सोशल मीडिया का डेमोक्रेसी पर किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ता है इसके बारे में। तो सोशल मीडिया है वो डेमोक्रेसी के लिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। पहले बात करें पॉजिटिव की, तो इससे क्या होता है, जागरूकता आती है। ठीक है, लोग अवेयर होते हैं, किसी भी क्राइम है उनको रोका जा सकता है। कहीं आपने एग्जांपल देखा सोशल मीडिया के माध्यम से क्राइम को रोका जा रहा है, सरकार की जवाबदेही तय की जाती है। ठीक है, हर क्षेत्र में इसके फायदे, इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है कहीं, क्योंकि कई लोगों को रोजगार है वो सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहा है। ठीक है, तो और भी कई बेनिफिट आप सोच सकते हो। नेगेटिव के बारे में बात करें तो डेटा है वो फेक होता है, फेक न्यूज के माध्यम से, र्यूमर के माध्यम से कुछ तनाव पैदा किया जा सकता है, आपस में विरोधपूर्ण भावना देखने को मिल सकती है। कन्हैया लाल वाला मामला आप देख सको जो उदयपुर में हुआ था, इस प्रकार की घटना भी हो सकती है, और भी कई इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि पूरे दिन सोशल मीडिया पे लगे होते हैं तो काम इससे बाधित होता है, तो ये भी परिणाम देखने को मिलता है। बच्चों में सुसाइड के मामले भी देखने को मिले हैं, गलत धारणा भी बनती है। ठीक है, भ्रांतियाँ भी फैलती है, तो ये सारे इसके नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। फिर आप वे फॉरवर्ड देख के समझा सकते हो कि वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड है कि एथिकल और नैतिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ होना चाहिए, इनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सोशल मीडिया वो डिसेंट्रलाइज तरीके से होना चाहिए, उसमें नैतिक मानदंडों को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, विनिमय और जवाबदेही, मतलब इसमें रेगुलेशन भी होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। सरकार को इसमें रेगुलेशन तय करना चाहिए, रेगुलेटर स्थापित करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से इसमें स्थापित किया जाना चाहिए ताकि जो सोशल मीडिया पे फ्री एंड स्पीच की होती है ना, मतलब वो खुले में आके भाषण देना है, अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, उसको बिना किसी से बाधित किए जो नफरत फैलाते हैं उनको रोका जाना चाहिए। यानी कि जो फेक न्यूज़ होती है उसको तो रोकना है, कैसे भी करके फेक न्यूज़ को रोकना है, जो नफरत फैला रही उन भाषणों को रोकना है, बट किसी की स्वतंत्रता को बाधित किए बिना। तो सरकार को एक स्पष्ट रेगुलेशंस तय करना है,
लेकिन वो किसी की स्वतंत्रता को बाधित न करे। ऐसा नहीं कि सरकार कोई सरकार के खिलाफ बोले तो उसको भी रोके, इस प्रकार का काम नहीं करना है। फिर जो यूजर्स है उनको सशक्त बनाना है, किस प्रकार से, उनको डिजिटल साक्षरता के कार्यक्रमों के माध्यम से उनको सशक्त बनाने की आवश्यकता है। प्लेटफॉर्म है वो डिसेंट्रलाइज होने चाहिए, विकेंद्रीकृत होना चाहिए, किसी एक के अधिकार में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से सोशल मीडिया का फायदा उठाया जा सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एंटी डोपिंग ट्रेनिंग के बारे में, जो इंडिया ने अभी होस्ट की थी एंटी डोपिंग ट्रेनिंग, इसके बारे में, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, वो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं, उसको पहले याद कर लो। GLDF ग्लोबल लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, GLDF के बारे में बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एंटी डोपिंग प्रक्रिया को मान्यीकृत करता है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर एंटी डोपिंग जो भी प्रक्रिया होती है उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, मानक तय करने के लिए ये GLDF है, इस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। ये निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है और देशों के बीच में सहयोग को बढ़ा देता है। तो GLDF क्या है, ये ग्लोबल लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। इसका उद्देश्य है जो एंटी डंपिंग प्रक्रिया है उनको स्टैंडर्डाइज करना है, उनका उनके लिए मानक तय करने हैं, सभी देश हैं उनके बीच में निष्पक्षता तय करने का काम है, वो GLDF के हैं, ठीक है। उसके बाद में नाडा, नेशनल एंटी डंपिंग एजेंसी, भारत की एक राष्ट्रीय एजेंसी है, इसका काम है GLDF के जो आयोजन है उनके लिए जिम्मेदार है, मतलब GLDF की जो ट्रेनिंग हो की है उसके लिए भारत की नाडा है एजेंसी, वो रेस्पॉन्सिबल है। ये है ना, खेल है वो क्लीन होना चाहिए, इसमें एंटी डंपिंग जो भी होता है उसे रोकने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर है IAU एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट, ये क्या करती है, ये निष्पक्षता को तय करती है, जो भी खेल होते हैं वो निष्पक्ष हो, प्रतिस्पर्धा है वो निष्पक्ष हो, जो अगर इसका उल्लंघन हो रहा है तो इसकी जांच करने का काम है एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट का है। जाडा है ये जापान की एंटी डंपिंग एजेंसी है, जो वो भी वही काम करती है, एंटी डंपिंग को रोकने का काम करती है वो जाडा करती है, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये एजेंसियाँ क्या काम करती है। अब अभी ये जो ट्रेनिंग आयोजित हो रही है ना GLDF की, ग्लोबल लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो बात करें इसमें 10 से ज़्यादा देश इसमें शामिल हो रहे हैं, जैसे मालदीव, म्यांमार, नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, किर्गिस्तान, लाओस, पे ये सारे देश शामिल हैं। इसके अलावा वाडा वर्ल्ड एंटी डंपिंग एजेंसी वो भी शामिल है, AIU एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट वो भी है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो कई सारी एजेंसियाँ और कई देश हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, 10+ देश शामिल हो रहे हैं और कई एजेंसियाँ भी इसमें शामिल हो रही है कि किस प्रकार से ये ट्रेनिंग आयोजित करती है। ये क्या चीज़ पर फोकस करेगी, ये प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग पर फोकस करेगी। GLDF में ट्रेनिंग होती है किस प्रकार से एंटी डंपिंग को रोकना है, अगर डंपिंग होती है तो उसे रोकना है, ये काम है वो GLDF में होता है, तो ये ट्रेनिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी पेशेवर होते हैं, मतलब जो शिक्षक होते हैं, जो चिकित्सक जो होते हैं ना, हेल्थ स्किल वाले, उनको स्किल दी जाती है, यानी कि GLDF है वो एक प्रकार की ट्रेनिंग है। इसमें जो वाडा जो होते हैं वर्ल्ड एंटी डंपिंग और एजेंसी होती है जो कि डंपिंग को रोकने का काम करती है, अब इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग है वो GLDF ट्रेनिंग में की जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान वाडा के जो मेंबर होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि किस प्रकार से आप है वो डंपिंग को रोकने का काम करोगे, ठीक है। इसमें स्किल देने का काम किया जाता है, ये एक प्रकार का कार्यक्रम है जिसमें ट्रेन किया जाता है लोगों को। तो इजी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। बात करें कि इसको कौन कौन समर्थन करा है, ट्रेनिंग किसके द्वारा की जाती है, नाडा के द्वारा की जा रही है, मतलब नेशनल एंटी डंपिंग एजेंसी है भारत की, उसके द्वारा जो हम बात करें GLDF की, उसकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। लेकिन इसका सपोर्ट है वो वाडा के द्वारा भी किया जा रहा है, जापान की एक एजेंसी उसके द्वारा भी किया जा रहा है, जापान की एंटी डंपिंग एजेंसी उसके द्वारा भी की जा रहा है। यानी कि एक GLDF एक प्रोग्राम है जहाँ पर प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, ये कौन करवा रहा है, ये भारत की नेशनल एंटी डंपिंग एजेंसी है नाडा है वो करवा रही है। इसमें इसे हेल्प कौन कर रहा है, वाडा हेल्प कर रहा है, जापान की जो एजेंसी है जापान एंटी डंपिंग एजेंसी वो हेल्प कर रही है, तो कई सारी एजेंसियाँ इसमें हेल्प कर रही है और ये कंडक्ट करवाया जा रहा है वो नाडा के द्वारा किया जा रहा है। ये चीज़ आपको आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करें एंटी डंपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डंपिंग एजेंसी यानी वाडा के बारे में, तो वाडा है वो खेलों में डंपिंग के खिलाफ है, जो डंपिंग होती है उसके खिलाफ एक वैश्विक प्रयास का नेतृत्व करती है, इसके लिए इसे स्थापित किया गया था। इसको स्थापित 1999 1919 में किया गया था, 1999 में किया गया था, कहाँ पर किया गया था, स्विट्जरलैंड के लुसाने में, लुसाने घोषणा हुई थी उसके दौरान इसे स्थापित किया गया था। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो नशीली दवाएं होती खेल के दौरान उसके उपयोग को निपटने के लिए इसे स्थापित किया गया था,
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर 2002 से ही मॉन्ट्रियल और क्यूबेक है, कनाडा में वहाँ पर है। इसके कुछ और भी हेडक्वार्टर है लाइक अफ्रीका में है, एशिया में है, लेटिन अमेरिका में, यहाँ पर भी इसकी हेडक्वार्टर है। ठीक है जी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इसके हेडक्वार्टर का 1999 में स्थापित किया गया था, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और भी कई इसकी क्षेत्रीय भी कार्यालय हैं। और काम क्या करती, ये जो वाडा है ना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और विनियमों को बनाती है, किस प्रकार से इस डंपिंग को रोका जा सकता है, ये यूनेस्को के साथ में सहयोग को भी बढ़ावा देती है। यूनेस्को भी कुछ स्टैंडर्ड है जिसके माध्यम से डंपिंग को रोका जाता है, और जो यूनेस्को के रूल है ना वो सभी देशों को बाध्यकारी है। यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसमें क्या है 189 देश, 189 देश है वो शामिल है, मतलब इसको रेटिफाई किया गया है। इसके अंतर्गत में इसमें बात की गई है, अगर कोई भी देश है वो डंपिंग को नहीं मानता है तो उस पर बैन कर दिया जाएगा, कोई भी खेल में उसे बैन कर दिया जाएगा। मतलब ये एक बाइंडिंग है, बाध्यकारी है, जो यूनेस्को ने फ्रेमवर्क बनाया है वो सभी देशों पर बाइंडिंग, उनको मानना ही होगा। अब बात करें वाडा में क्या क्या संरचना, कौन कौन होता है, तो वाडा में एक सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है, मतलब इसकी जो मेन बॉडी है उसमें 42 मेंबर होंगे। ये मेंबर कहाँ से कहाँ से होंगे, ये जो EIO ओलंपिक जो आंदोलन वहाँ से भी होंगे, अन्य देश है ना उनके भी कई मेंबर शामिल होंगे, मतलब इसमें टोटल 42 मेंबर होंगे। जो इसकी सर्व जो संस्था है ना उसमें 42 मेंबर होंगे, एक कार्यकारी समिति भी है। अभी जो कार्यकारी समिति है इसमें 16 मेंबर होंगे, इसकी जो मेन बॉडी है ना 42 मेंबर की, मेंबर फंक्शनल बॉडी है, जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, उसमें कितने मेंबर होंगे, 42 मेंबर होंगे। कौन कौन से होंगे, ओलंपिक मूवमेंट से भी होंगे और जो भी अदर देश है उनसे भी मेंबर होंगे। बात करें इनकी जो मेन काम करने वाली बॉडी, एक तो मेन बॉडी है, दूसरी काम करने डेली जो फंक्शन करने वाली बॉडी है, इसमें 16 मेंबर होंगे, डेली फंक्शन वाले में 16 है, बाकी जो बॉडी है उसमें 42 मेंबर होंगे। ठीक है, अब ये मेंबर के बारे में समझ में आ गया। अब ये काम हमने देखा 1999 में स्थापित किया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी डंपिंग के बारे में, कहाँ हुई थी, लुसाने स्विट्जरलैंड में, इस दौरान इसको स्थापित किया गया था, और ये इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले से। ठीक है, अब कौन कौन से डंपिंग होते हैं, तो ये देख लो, ये सारे डंपिंग होते हैं प्रशिक्षण के दौरान, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्यों ये गलत है, क्योंकि नैतिक निहितार्थ है, स्वास्थ्य पर प्रभाव होते हैं, एथलीटिकों पर प्रभाव होते हैं, शासन संबंधी मुद्दे हैं, सामाजिक प्रभाव, ये सारे प्रभाव के कारण इसको बैन किया गया है कि क्यों नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नाडा नेशनल एंटी डंपिंग एजेंसी, इसे 2005 में स्थापित किया गया था, ये डंपिंग फ्री स्पोर्ट को बढ़ावा देती है। इसमें इसे एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत स्थापित किया गया था, 1860 का है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके तहत इसे स्थापित किया गया, अर्थात ये एक सोसाइटी के तरह कार्य करता है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंतर्गत आती है, मतलब जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये आती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, नाडा, नाडा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। कब इसे स्थापित किया गया था, 1860 में इसको स्थापित किया गया था। तो ये नाडा के बारे में कुछ पॉइंट है वो याद रखना। ये जो वाडा है ना, वर्ल्ड एंटी डंपिंग एजेंसी, उसकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे फॉलो करने का काम करती है, उसके जो भी रूल्स होते हैं उसे फॉलो करती है। ठीक है, ये इसकी कोर कार्य क्या है, खेलों में एथलीट होते हैं उनकी भूमिका को देखते हैं, डंपिंग होता है उसको रोकना है, उसका टेस्ट करता है, जागरूकता फैलाती है, अंतर्राष्ट्रीय जो मानक होता है उसको मानने का काम करती है, वाडा के जो नियम होते हैं उसको देखती है, उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर मुकदमा चलाती है। तो ये सारी चीज़ें वो वाडा के काम है। तो काम के बारे में हमने देख लिया, आपको याद होनी चाहिए, UPSC इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है, ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप एक बार देख लेना क्या क्या क्वेश्चन है। और इस एक्सरसाइज के बारे में हम देख चुके हैं, क्या एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन, हम अभी पढ़ चुके हैं संयुक्त विमोचन को ऊपर ही, जो कि गुजरात में पोरबंदर में आयोजित हुई थी, हमारे जो दक्षिणी कमांडर कोरोनाक है कोरे, उन्होंने आयोजित की थी, इसमें ग्लफ काउंसिल वो शामिल थी, और भी 9 देश इसमें शामिल थे। उद्देश्य वही था किस प्रकार से रोका जा सके, अगर आपदाएं आती है तो उनको किस प्रकार से रोका जा सके, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है जी, नॉर्मल सी एक्सरसाइज थी, इसके बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये इससे संबंधित क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है साबरमती रिवर के बारे में, साबरमती रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये राजस्थान के उदयपुर जिले से दक्षिणी भाग है, वहाँ पर एक ढेबर झील है, ढेबर लेक वहाँ पर ओरिजिनेट होती है, उदयपुर जिले में के दक्षिणी भाग में ढेबर झील से ये ओरिजिनेट होती है। राजस्थान, राजस्थान में ये उदयपुर से, फिर गुजरात में साबरकांठा, महसाणा, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद जिलों से होती हुई बहती है। ठीक है, 21,000 इसका वर्ग किलोमीटर एरिया है राजस्थान और गुजरात में। फाइनली ये कहाँ जाती है, फाइनली जाती है गल्फ ऑफ खंबात में आके ये गिरती है, यहाँ पर ये आके गिरती है। देखो तो इसके बारे में पता होना चाहिए, साबरमती रिवर ये आ रही साबरमती, उदयपुर से आती है, यहाँ पर जाके गिरती है गल्फ ऑफ खंगा खंगा बात में। ये लूणी रिवर है,
ये माँ ही है, ये नर्मदा है, तापी है, चंबल जो कि जाके कहाँ मिल रही है, चंबल मिल रही है यमुना में, चंबल जिसकी सहायक बनास है, पार्वती है, ये नर्मदा है, नर्मदा जाके इस साइड में आ रही है, ठीक है, ये सोन है, बेतवा है, ठीक है। ये रिवर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, रिवर के बारे में भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। साबरमती रिवर 371 किलोमीटर चलती है, खंबात की खाड़ी में मिलती है, और इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसकी जो लेफ्ट बैंक है उसमें वाकल है, हतमती है, वत्रक है, राइट बैंक में कौन सी है, सेई रिवर है, ठीक है। इसमें कुछ जलाशय भी बनाए हुए हैं, साबरमती है, हतमती है, मेसवो है, ये इसमें कुछ रिजर्वर भी बनाए गए हैं, ठीक है। अलग अलग दौरान वर्षा के दौरान ये चलती है, कई बार इसमें बाढ़ भी देखी गई है, तो ये साबरमती रिवर के बारे में कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सोर्स है हम देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स में बाकू में जो मीटिंग हुई थी FFNTP हम ऑलरेडी पढ़ चुके, एस्ट्रोटर्फ के बारे में हम पढ़ चुके, एरो ट्रैक के बारे में जो जल में पता लगाता है कि प्रदूषण है या नहीं उसके बारे में भी हम पढ़ चुके, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।